हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में इस तरीके से पैटर्न पासवर्ड या कोई भी पिन लॉक लग जाता है और आप उसके पासवर्ड को भूल जाते हो, तो गाइस कैसे आप उसके पासवर्ड को तोड़ के अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अपना स्क्रिप्ट के एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास सैमसंग का कोई पुराना सा मॉडल का फ़ोन है। तो गाइस मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने पुराने सा फ़ोन में करता हूँ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, आपके तरह बिल्कुल से सेम लॉक लग चुका है। तो गाइस सिंपली से आपको यहाँ से पावर ऑफ कर लेना। तो गाइस पावर ऑफ कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा। आपको सिंपली से पावर ऑफ पे प्रेस कर देना है, उसके बाद ओके पे प्रेस कर देना है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरा मोबाइल जो है पावर ऑफ हो रहा है। तो गाइस सिंपली से आपको भी इसी तरीके से कर लेना है पावर ऑफ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, मेरा मोबाइल जो है वो कम्प्लीटली पावर ऑफ हो चुका है। गाइस मोबाइल को पावर ऑफ होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बूट मेनू को अपीयर करना है। तो गाइस बूट मेनू कैसे अपीयर होता है, तो गाइस इसके लिए आप लोग को पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन और होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करना पड़ता है मिनिमम 3 to 5 seconds के लिए। तो गाइस जैसे कि मैं इस तीनों बटन को प्रेस कर दे रहा हूँ, तो गाइस मैं प्रेस करके रखा और गाइस आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी स्टार प्रो आपका यहाँ जैसे। गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइस वेट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा कुछ देर के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो एंड्रॉयड का लोगो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। तो गाइस एक बात को आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप ये ऑपरेशन कर रहे हो तो गाइस मिनिमम आपके बैटरी का परसेंटेज मिनिमम 60% रहना चाहिए। अगर आपका मोबाइल ऑफ हो गया तो ये हार्म भी कर सकता है आपके मोबाइल के लिए। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। तो गाइस सिंपली से आपको वॉल्यूम डाउन बटन के बटन से आपको यहाँ पे नीचे लेके आना है और पावर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है नंबर 3 पे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं फिर से जूम करके दिखा दूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे सिंपली से वॉल्यूम डाउन के बटन से नीचे जाना और यहाँ पे यस पे आपको प्रेस कर देना है पावर बटन को। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस आपको यहाँ पे और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट मार रहे हो, अपने मोबाइल का लॉक को ब्रेक कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपका जितना भी कॉन्टैक्ट फाइल डेटा सब कुछ आपको यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो गाइस सिंपली से आपको बैकअप कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस सिंपली से आपको पावर बटन को प्रेस कर देना नंबर 1 पे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली से वेट कर लेना है, आपको मोबाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मोबाइल जो है रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो गाइस ये थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लगेगा, इसके लिए कुछ भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप जब नया मोबाइल खरीदते हो तो गाइस फर्स्ट बूट होने पे ऑलवेज टाइम लगता है। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली से वेट कर लेना है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो मेरा मोबाइल जो है यहां पे चालू हो चुका है और मेरा जो पासवर्ड है वो भी चला गया है बिल्कुल। अब मेरा मोबाइल जो है नई तरीके से स्टार्ट हो रहा है। और गाइस मैं यहां पे अपना वाईफाई सेटअप कर लेता हूं और यह सैमसंग अकाउंट वगैरह जो बनाना पड़ता है मेल वेल लॉगिन करके, फिर आपको अपने मोबाइल को जो कॉन्टैक्ट ये सब है वो सब आपको बैकअप कर लेना पड़ता है। बैकअप करने के बाद गाइस आप अपने मोबाइल को बिंदास तरीके से जैसे पहले चलाते थे वैसे चला सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।